हे व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइज़, आप लोगों को पता ही है गाइज, इंडिया में फ्री फायर को बैन कर दिया गया है। फ्री फायर मतलब इंडियन सरकार ने कम से कम 24 बड़े बड़े ऐप्स को फुल्ली बैन कर दिया है इंडिया में। इंडियन सरकार ने इससे पहले काफी सारे ऐप्स को बैन कर दिया, जैसे कि टिकटॉक हो गया, यूसी बाउजर, अली बाबा, क्लीन मास्टर, सबको बैन कर दिया था। बट आज एक बहुत ही सैड न्यूज हम सबके साथ है कि मतलब एक टाइम था जब पबजी को बैन करा गया था। चलो लेकिन कोई ना, पबजी वापस तो आ गया था, लेकिन वो किसी और अवतार में आया था, वो अलग बात है। बट इस बार एक और बड़ी गेम बैन हो गई, जो कि है फ्री फायर। पहले काफी सारे लोग पबजी खेलते थे, उसके बाद वो लोग लूडो में शिफ्ट हुए, उसके बाद भाई वो फ्री फायर में शिफ्ट हुए एक एक करके, जिसमें लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले पबजी को बैन कर दिया गया, देन लूडो को बैन कर दिया गया, अब उसके बाद फ्री फायर को ही बैन कर दिया गया। बट फ्री फायर के इस वक्त काफी ज्यादा यूजर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये 2019 की बेस्ट पॉपुलर वोटेड गेम थी, पिछले साल की ये मोस्ट डाउनलोडेड गेम है, और आज कुछ समय पहले फ्री फायर कम्प्लीटली बैन हो चुका है इंडिया में। आप लोग जाके इसे प्ले स्टोर में सर्च करके देख सकते हो फ्री फायर, लेकिन उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा, उसका फ्री फायर मैक्स आएगा, और यहाँ तक कि आप लोग ऐप स्टोर में सर्च मार सकते हो, वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाएगा। भाई आप लोगों को तो पता ही है गाइस, जो फ्री फायर ने कुछ ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी गेन करी थी, पिछले साल फ्री फायर ने USA में $150 मिलियन जनरेट करे थे, और इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली और बिकने वाली गेम बन चुकी थी। 2020 से लेकर अभी तक इंडियन सरकार ने कम से कम 270 से ज़्यादा या फिर 270 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। कल गवर्नमेंट ने 54 और ऐप्स को बैन कर दिया है, और फ्री फायर इनमें से एक है। लेकिन इसके साथ और भी कई बड़े बड़े एप्लीकेशन थे जिनको बैन कर दिया गया इंडिया में, तो मैं ट्राई करता हूँ अभी एक एक करके बताने की कौन से ऐप्स को बैन करा गया। सबसे पहले है स्वीट सेल्फी, ब्यूटी कैमरा, वीवा वीडियो एडिटर, जो कि मतलब भाई वीवा वीडियो एडिटर तो मतलब बहुत लोग यूज भी करते थे और बहुत ही अच्छा ऐप था भाई, मतलब एडिटिंग के मामले में बहुत तगड़ा ऐप था, लेकिन भाई उससे भी बैन कर दिया गया। ऐप लॉक, मतलब भाई ऐप लॉक भी बहुत ही बेस्ट ऐप था, क्योंकि उस ऐप को मैंने भी इस्तेमाल करा है, मतलब अपने पेरेंट्स से गेम को छुपाने के लिए स्पेशली, और बहुत लोग करते भी है भाई। और इनमें से काफी सारे एप्लीकेशन ऐसे थे जिसके अंदर 100 एंड मिलियंस ऑफ डाउनलोड हो रखे थे, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर एंड काफी ज्यादा पैसे भी कमा रही थी। सो गाइस, अभी बाकी सारे जितने भी एप्लीकेशन है वो अपनी मैं आपके स्क्रीन के सामने दिखा देता हूँ, क्योंकि एक करके इन सबका नाम लेना तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिले हो जाएगी वीडियो, और लंबी भी अच्छी लगेगी। और जैसे कि आप लोग ये सारी ऐप्स को देख सकते हो गाइस, ये सारी ऐप्स टोटली इंडिया में बैन कर दी गई है। सो अभी आप लोग भाई बहुत लोग कमेंट करेंगे बस इसको एकदम से क्यों बैन कर दिया गया इंडियन सरकार ने इन सारी गाइस, क्योंकि इन सब का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, वो है प्राइवेसी। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही है प्राइवेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी, और डेटा हमारा इधर से उधर करा जाता है, और आप लोगों को पता ही गाइस कि डेटा से हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और काफी सारी एप्लीकेशन ऐसी थी जो इधर उधर से आपके डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करती थी, और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि इन सारी एप्लीकेशन पे कहीं ना कहीं हमारा सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी जाती थी, और इसका मिसयूज भी हो सकता है, और इसी वजह से काफी बड़ा थ्रेट बन चुका था। और फ्री फायर एक ऐसी गेम थी इंडिया में जो फ्री थी, लेकिन अब वो फ्री हो गई है। सो गाइस आप लोगों को पता ही है जो फ्री फायर थी वो एक बैटल रॉयल गेम थी, जिसके अंदर भाई मतलब खेलने मजा भी आता था, एनिमीज को मारने में, मतलब एक फुल पैकेज गेम था जिसके अंदर हम हर चीज कर सकते थे, और इसे काफी ज्यादा लोग खेलते भी थे इंडिया में, और इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी पबजी के बैन होने के बाद। और इसके चलने का एक और रीजन ये था कि गाइस ये काफी कंपेटेबल गेम था, मतलब किसी भी डिवाइस में चल जाता था, मींस ये था कि मतलब जो भी सस्ते सस्ते फोन में भी गेम चलता था, और बहुत ही स्मूथली चलता था, और बहुत अच्छा वर्क भी करती थी उन फोन्स में, लेकिन वर्क करती थी, अब वो वर्क इन पीस हो गया है। तो गाइज अभी आप लोग अभी खोल के देख सकते हो प्ले स्टोर, तो आप उसे सर्च मारोगे तो उसके अंदर से आपको गेम नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड है और अभी इसमें वो गेम चल रहा है, तो शायद कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद वो गेम आपका ना चले, क्योंकि इसके बाद सर्वर्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप ये इंडिया में ये गेम नहीं खेल पाएंगे। और इन 54 एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे जो क्लोन्स हैं, जो डेटा मतलब सिर्फ इसलिए आए वो क्लोन्स, मतलब वो एप्लीकेशन इसलिए आए ताकि सिर्फ अब हमारा डेटा चुरा सके, लेकिन इन सारी एप्लीकेशन को बैन जब करा गया, तो भाई इसे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ना ही मैं इसको जज कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि अगर इंडियन सरकार ने इन सारी ऐप्स को बैन करा है तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से करा होगा। इंडिया के IT मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो गाइस ये सारे यूजर और ये एप्लीकेशन थे, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती थी, और ये रियल टाइम डेटा को मिसयूज करती थी, और काफ़ी सारे कंट्रीज में डाटा को ट्रांसफर करती थी। तो ऐसा इंडियन मिनिस्ट्री का कहना है, तो अगर गाइज ऐसी है सही में है, तो गाइज इसके लिए तो मैं कहूँगा कि भाई फिर तो सही चीज़ है ये। सो गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि पबजी ने वापसी करी है, जैसे पबजी न्यू स्टेट हो गया, और उसके बाद BGMI के रूप में, और शायद से कहीं ना कहीं टिकटॉक भी वापस आ जाए। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही करी गई है, क्योंकि गाइज देखो अगर आपका डाटा कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भाई बहुत ही ख़राब चीज़ है। कहीं में से कई लोगों को आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये सही चीज़ करी गई है इंडियन सरकार की तरफ से। तो गाइज देखो, जैसे कि पबजी के बहुत सारे मतलब
बहुत ही मुश्किल झेलने के बाद वो दोबारा इंडिया में लॉन्च हुई थी BGMI के नाम से। मतलब बहुत से सर्वर्स को चेंज करा गया, बहुत कुछ उस पर क्रिटिकल चीज़ें करी गई, जिसकी वजह से वो ताकि वो सब कुछ फिक्स कर सके। देन शायद अगर ऐसा कुछ हो जाए फ्री फायर के साथ भी तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन रिसेंटली शायद आप लोगों को पता ना कि क्राफ्टन ने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर केस करा था कि जो गाइस जो फ्री फायर है उसने हमारा मतलब जो फ्री फायर ने उसी गेम को कॉपी करने की कोशिश करी थी। और यही चीज़ फ्री फायर ने भी मतलब गैरेना ने क्राफ्टन के ऊपर केस कर दिया। और इन दोनों केस के चक्कर में बट फाइनली नमस्ते हो गया। क्योंकि गाइस देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्राइवेसी चीज़ है वो हम सबको कहीं ना कहीं सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि गाइस हमारा जो डेटा है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी एप्लीकेशन मतलब कहीं भी किसी भी ओरिजिन से हो या फिर किसी पर्टिकुलर नॉट कंट्री तो मतलब कहीं से भी हो तो गाइस अगर ऐसा राती हमारे डाटा को तो उसको बैन करना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन सरकार को बीच में करते रहना चाहिए जो कि हमारे मतलब जो हमें डाटा है उसको बचा सके। सो गाइस देखो इस गेम को लेकर मैं क्या कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट करा था सबसे पहली गेम प्ले वीडियो मैंने इसी की डाली थी। क्योंकि गाइस मैंने इसी गेम की वजह से मैं चैनल शुरू करा था और आज ये होगा तो मुझे पता नहीं जाएगा इस। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ मेरा भी लिटरली बहुत अच्छा गेम था, फेवरेट गेम था मेरा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते इसको लेकर हम। सो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे इस आपके लिए इसका ओपिनियन कैसा है कि नॉट अ पर्टिकुलर गेम गाइस, क्योंकि आप अपनी प्राइवेसी देख के फिर इसको जज करना। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।